विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26 दिन बाद कल जमानत मिली है। आर्यन अभी जेल में ही है, वो आज या कल रिहा हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। आज डिटेल्स ऑर्डर की कॉपी आएगी, जिसके बाद उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। आर्यन के साथ ही ड्रग्स केस में आरोपी उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई के तट पर एक क्रूज से आर्यन, अरबाज और मुनमुन की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ नशीला पदार्थ रखने, उसका सेवन करने और खरीद बिक्री की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें वो अपनी लीगल टीम के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। आर्यन खान को जमानत मिलने पर उनके वकील सतीश मान शिंदे ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्यन शाहरुख खान को आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के पहले दिन से ही मामले में कोई सबूत नहीं, कोई उपभोग नहीं, कोई साजिश नहीं और न ही अभी कुछ भी है। वकील ने कहा कि हमारी प्रार्थना को न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने स्वीकार कर लिया और आर्यन को जमानत दे दी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख के बंगले मन्नत के सामने पटाखे फोड़े गए। उनके समर्थकों ने 8 दिन पहले ही दिवाली मना ली। 2 नवंबर को आर्यन के पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। ऐसे में कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अब बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे। एनसीबी ने ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस से मदद मांगी है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल को उसके सामने पेश करवाने की अपील की है। प्रभाकर सेल ने मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है, लेकिन वो एनसीबी के समन पर पेश नहीं हुआ है। ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी के मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उनके अरेस्ट से पहले 3 दिन का नोटिस देना जरूरी है। उगाही के आरोपों में घिरे वानखेड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जेल भेजने वाले को जेल जाने से डर लग रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आर्यन खान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन ड्रग्स का सेवन करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। इस कानून में बदलाव की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन करने वालों को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेजा जाना चाहिए।